चार मैंने प्लेट ले ली है मैगी खाने के लिए। कितने मैंने ये चाय पीने वाले ग्लास ले लिए? ब्लैक कलर में, एक ही साथ आर्मी वाला कलर में भी, फाइनली ये वाला मेरा डन हो गया। भाई ये जो जगह है ना, मतलब बहुत ही प्यारी लगती है, और मानसून में ना भाई ये जगह इतनी अच्छी लगती है कि हरियाली भरी होती है। अभी भी आप लोगों को हरियाली दिख रही होगी। तो गाइस मैंने सारा सामान, ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायरमेंट वाला सामान था मैंने ले लिया। पठानी आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक लिया है। सो ये वाला जो रास्ता है वो जाएगा तारा कुंड के लिए। बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करा है, और आप लोग देखो पौड़ी का वेदर भाई क्या मस्त हो रखा है, बहुत ही प्यारा। बहुत दिनों के बाद, मतलब कह सकते हो आप बहुत सालों के बाद, 1.5 सालों के बाद फाइनली ऐसा व्लॉग मेरे चैनल पे आने वाला है। मतलब आई मीन टू से कि मैं करने वाला हूँ कैंपिंग, और कैंपिंग में कहाँ करने वाला हूँ, पौड़ी से बाहर करने वाला हूँ। हम जाने वाले हैं पाबो साइड, तो पाबो भी एक बहुत फेमस मार्केट है, और मैं वहाँ लेके जाने वाला हूँ आप लोगों को। और किसके साथ मैं कैंपिंग करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कैंपिंग किस तरह की होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, सब आपको आगे व्लॉग में बता दूंगा। अभी तो मोटो व्लॉग होने वाला है, और अभी मैं पाबो जाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाला हूँ, मौसम दिखाने वाला हूँ यहाँ का पौड़ी का बहुत मस्त। आगे जाके कौन मिलने वाला है वो भी आपसे मिलाने वाला हूँ। फिलहाल अभी यहाँ निकलते हैं, मुझे स्लीपिंग बैग खरीदना है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और फटाफट स्लीपिंग बैग वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेंट वगैरह लगाने वाले हैं हमने, मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है। तो पौड़ी से स्लीपिंग बैग खरीदने के बाद तुरंत यहाँ से निकलते हैं। तो लेट्स गो गाइज, मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग में। तो गाइज पहुंच गए हैं पौड़ी की मार्केट पे, और यहाँ से निकालना है मुझे पहले कैश, क्योंकि हमेशा हैरी का स्लोगन है कि नो कैश नो ऐश, पैसे निकाले जाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से लिया जाएगा स्लीपिंग बैग। अब मुझे स्लीपिंग बैग की शॉप भी पता करवानी है कि कहाँ मिलती है कहाँ नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। तो चलो पहले निकालते हैं यहाँ से कैश यहाँ से। तो गाइस एक टाइम पे ना ये बहुत ही, मतलब इस रोड पे जगह नहीं मिलती थी जाने की, इतना फेमस थी ये जगह, इतना मतलब यू नो क्राउड हुआ करता था। पर यू नो जैसे कि धीरे धीरे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और आंटी जी कंफ्यूज हो रही जाऊं किधर, तो उसकी वजह से ना मार्केट खाली खाली से होगी। जब मेरे कॉलेज टाइम भी था ना, तो बहुत ही अच्छा था यार यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लगता था मुझे इस, मतलब इस रोड में जगह ही नहीं मिलती थी जाने की, और अब देखो कितना खाली खाली और खा रही है। टीम ऑफिस है ये, मैं जा रहा हूँ स्लीपिंग बैग लेने, मेरे अंशुमन से बात हुई थी, तो अंशुमन ने बोला कि यही मिल जाएगा स्लीपिंग बैग। तो गाइज आप लोगों को वीडियो में आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि एडवेंचर होने वाला है भर भर के। तो एक ये है स्लीपिंग बैग हमारा, और एक ये कलर में, दो कलर में, एक ये ब्लैक कलर में, और एक ये शायद आर्मी वाला कलर है ना भी। फाइनली ये वाला मेरा डन हो गया स्लीपिंग बैग आज के लिए। फाइनली यहाँ से स्लीपिंग बैग लेके अपन निकल रहे हैं पाबो की तरफ, ठीक है। पाबो निकल रहे हैं, और वहाँ से उस बंदे से मिलाता हूँ आपको मैं, जिस बंदे ने मुझे इनवाइट किया है कैंपिंग के लिए। कहाँ जाने वाले हैं वो सब आप लोगों को मैं पूरा रिवील करता हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहो, आज एडवेंचर भरा हुआ व्लॉग मिलेगा आपको पूरा। पाबो के बाजार में पहुंचने वाले हैं, और आपको सच बताऊं ना भाई, ये जो जगह है ना, मतलब बहुत ही प्यारी लगती है, और मानसून में ना भाई ये जगह इतनी अच्छी लगती है कि हरियाली भरी होती है। अभी भी आप लोगों को हरियाली दिख रही होगी, क्योंकि गोप्रो ना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाता जितना मैं रियल में देख पा रहा हूँ उसको, है ना। तो अभी हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं वो वेट कर रहे हैं पाबो में, उनका फोन आया था। स्लीपिंग बैग मैंने ले लिया है, तो कैंपिंग की पूरी तैयारी होने वाली है। ट्रैक भी हमारा होने वाला है 1 घंटे का, आई गेस होने वाला है। और मुझे ना ये हरियाली जो यहाँ की जो रोड है ना वो बहुत खतरनाक लगती है। हरियाली भी बहुत अच्छी लगती है, पर रोड भी बहुत खतरनाक लगती है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, बहुत ही पतली रोड है, और यही मेन रोड है। पाबो के जितने भी लोग हैं ना, और पाबो के आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, वो यहीं आते हैं अपना काम करवाने, मतलब पौड़ी आते। तो बसेस वगैरह चलती हैं, ट्रक वगैरह चलती हैं, सब चलता है इस रोड पे। पर रोड बहुत कंजेस्टेड है, छोटी सी है, तो बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। जैसे ये देखो, ठीक है, हाँ रोड पक्की है, ये बात तो मानना पड़ेगा, रोड पक्की है, कहीं पर भी गड्ढे उड्ढे नहीं है। तो चलो चलते चलते पाबो में मिलते हैं आपसे। चार दे दो, चलो कितने, 5-5 रुपए लिए, 10 वाले दे दो, फिर 2 दे दो, चलो एक और दे दो, वो भी दे दो, 3 दे दो, चलो कितने हो गए इसके, 50 रुपये कर दो एक पन्नी में पैक। मेरी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ है वो नहीं है आपके पास। सो 10 मैंने ये चाय पीने वाले ग्लास ले लिए हैं, अंकित भाई ने मंगवाए थे, और थोड़ी मैगी वगैरह का, खाने पीने का स्नैक्स वगैरह ले लिया मैंने, पूरा नहीं चाहिए मुझे, पर हाँ चल जाएगा। 4 दे दो, ये किलो 4 मैंने प्लेट ले ली है मैगी खाने के लिए। कितने हो गए भाई, दे दूँ फिर 15 रुपये आपको, 20 रुपये। तो गाइज मैंने सारा सामान, ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायरमेंट वाला सामान था मैंने ले लिया है पाबो की मार्केट से। अब यहाँ का सफर आगे हम तय करते हैं यहाँ से, और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं अभी उस बंदे से आपको मिलाता हूँ, जो बंदा मेरा आगे वेट कर रहा है, आधा सामान उन्होंने रखा हुआ है, आधा सामान मैंने रखा हुआ है। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं उस जगह कैंपिंग साइट के लिए, और पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा मुझे, मतलब मैं ट्रैक कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई विल ट्राई कि यार जल्दी हो जाए ट्रैक हमारा। तो उन्होंने कहा था कि आगे एक पुल है, मैं वहीं पर वेट कर रहा हूँगा। तो पुल ये रहा पुल, कहाँ वेट हो रहा है मेरा, वो दिख रहा है मुझे एक बाइक, वो आगे दिख रही है, हाँ वो दिख रहा है शायद, हाँ कैंपिंग वैम्पिंग करके वही बैठ रखे हैं, डेली नंबर यही है।
अंकित भाई कैसे हो? फाइनली ज्यादा वेट तो नहीं करा मैंने आपको? सो गाइस फाइनली अंकित भाई थे जिनका जो मेरे यहाँ वेट कर रहे थे, और ये देखो भाई सारा सामान रेडी करके रखा हुआ है। मैं देखते रहे दिल्ली नंबर में, यही है भाई गाड़ी तो। अच्छा। मैंने सामान लिया है, देखो ग्लास ले लिया, प्लेट ले ली, बिस्किट्स वगैरह ले लिया, मैगी ले रखी है मैंने। ठीक है, दूध मिला नहीं, दूध आगे देख लेंगे है ना। तो गाइज यहाँ से राइड हमारी स्टार्ट हो रही है। एवेंजर मेरे पास है, आ रहे हैं और दोनों हम जा रहे हैं। पुरानी जोड़ी मतलब वापस आ रही है, पहले हम दोनों भाई साथ जाया करते थे राइड केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण और कई सारी जगह, हमने नैनीताल, हमने बहुत जगह साथ ही में ट्रैवल करा है। बट अभी फाइनली हम लोग जो है वो कैंपिंग के लिए दोनों साथ जा रहे हैं। मेरे पास कम एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्लीपिंग बैग ही खरीदा है, बाकी सारा सामान अंकित भाई के पास है। बाकी ये देखते हैं वहाँ जंगल में कैसे मैनेज होता है, क्या होता है ना, कुछ पता नहीं है। तो ये पठानी वाला जो रूट है ना वही है। वाओ गाइस अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला, एक अलग ही चीज होने वाली है यार कैंपिंग वगैरह। सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम लोग निकल रहे हैं तारा कुंड के लिए, जो कि वो पड़ता है आपका पैठाणी से। तो पैठाणी तक तो हम लोग बाइक में जाने वाले हैं, वहां से थोड़ा सा रास्ता जो है ना ट्रैक होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि कितना किलोमीटर है कितना किलोमीटर नहीं है, बट मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पे, और अंकित भाई भी पहली बार ही जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ सोचा कि हम कैंपिंग वगैरह करेंगे, टेंट वगैरह लगवाएंगे, राइट। और मेरे राइट में देखो कितनी अच्छी पश्चिमी नहर जा रही है, इसको पश्चिमी नहर बोलते हैं, नदी जा रही है बेसिकली, राइट। एंड यहाँ भाई यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सही बताऊँ तो। आप लोगों को याद होगा कि एक बार मैं मजरा महादेव आया था, जहाँ पर अर्धनारीश्वरी एक बहुत बड़ा स्टैचू है। सो अगर वो वाली वीडियो जिसने देखी होगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं अभी किस रूट पे हूं। तो मैं उसी रूट पे जा रहा हूं अभी फिलहाल, और यहां पर आके ना एक महादेव का मंदिर है, बहुत ही प्यारा। इस मोड़ पे है कि आगे वाले मोड़ पे मुझे पता नहीं है। तो गाइस जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था ना, ये रहा वो मंदिर, देखो मैं बोलता ना रास्ते में पड़ता है, तो ये शिव भगवान का मंदिर है। और ये देखो यहां पर स्टैचू बना हुआ है शिव भगवान जी का, ये देखो बहुत प्यारा बना हुआ है। तो लेट्स गो, भी हम लोग यहां रुकने वाले, नियम से आगे निकलने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो ये एरिया है ना, ये पाबो पठानी वाला एरिया, तो यहाँ पर ना बड़ी मार्केट आप लोगों को नहीं मिलेगी। वैसे इनकी जो बेसिकली बड़ी मार्केट है ना, या तो वो कोटद्वार है या तो फिर वो पौड़ी होके देहरादून है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, बस छोटा मोटा जो सामान होता है ना वो ये लोग पौड़ी से लेके आ जाते हैं, या फिर डायरेक्ट सप्लाई होती है कोटद्वार से। मेन मार्केट था एक तो पाबो था, जहाँ पर मैंने अपना छोटा मोटा कैंपिंग का सामान खरीदा, ठीक है। इसके बाद एक जगह आने वाली है 5 से 10 किलोमीटर बाद, वो है पठान। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटीज भी है और वहाँ पर एक मार्केट भी है, छोटी खासी अच्छी खासी मार्केट है। तो दो ही मार्केट है पे। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो कैंपिंग वगैरह करने के लिए या सब इन सब चीजों के लिए, तो मेक श्योर कि आप सामान जो है ना पहले ही खरीद लेना। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पैठाणी, अब यहाँ से कंफर्म करना है कि रास्ता जाएगा कहाँ के लिए। मार्केट मिल जाएगी, पूछ ले मार्केट वहाँ दूध वगैरह। ठीक है, सो ये वाला जो रास्ता है वो जाएगा तारा कुंड के लिए। अब ये कितना दूर है कितना नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर एक फेमस मंदिर है शिव मंदिर, तो मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ कि वो मंदिर कहाँ पर है। उधर है वो शिव मंदिर, आप लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ से, पर मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, मेक श्योर कि आपने वो वाली वीडियो देख लेना। यार आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब का, आप फोन यूज कर रहे हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पठानी। पठानी आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने और अंकित भाई ने। अंकित भाई भी अपने फोन के जो है ना जलवे दिखा रहे हैं, जूम मार मार के भयंकर खतरनाक फोन ले लिया अंकित भाई ने। और ये रहा पठानी, पठानी का ही पूरा मार्केट है, और वो शिव मंदिर है वहाँ पे, अगर आप लोगों को याद होगा तो जो पांडव ने बनाया था मंदिर, ये वो मंदिर है। तो बस ये पूरा जो व्यू है वो पठानी का है। मैं ज्यादा सामान कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैरी कर रहा हूँ स्लीपिंग बैग और अपना जो पर्सनल एक्सपेंसिव होते हैं ना वो कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा सामान जो है वो अंकित भाई कैरी कर रहे हैं, उनके पास सारा सामान है ऑलमोस्ट कैंपिंग का। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि यार चलो मेरे को फायदा हो गया, मुझे ज्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़ा। फिलहाल मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो मुझे खाना खाना है भाई। यहाँ पर मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के आया हूँ, तो मुझे बस जहाँ पर खाने वाला मिल जाए खाना खाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा भाई, मुझे खाना खिला दो बस। हम लोग पठानी से हमने एक शॉर्टकट मतलब एक रास्ता कट रहा था, तो हमने वो रास्ता लिया, और यहाँ तो बहुत ही पतला रास्ता है, ना मार्केट दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, पर व्यू बहुत प्यारे दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है। वाह यार व्यू पॉइंट बहुत अच्छा आ रही है, जगह बहुत अच्छी है। वैसे अभी जो हम जा रहे हैं अणित वगैरह होके जा रहे हैं, अणित सिमरौली करके कुछ जगह है। सो एक राइड के बाद अगर चाय पीने को मिल जाए ना तो अंकित भाई मजा आता है ना। चीयर्स। मजा आ गया चाय पी के। गाइस हमने खाना पीने के लिए बोल दिया, बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर रहा है भाई को कि खाना बना दे। वैसे लोकल मार्केट में खाना मिल नहीं रहा ना इसलिए, और बाइक हमारी वहां पाक रहे देखो दोनों। तो होपफुली हम यहां से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, इसी करेंगे ना। वैसे दो पॉइंट है, एक यहां से भी बोल रहे हैं और एक आगे भी मतलब 5-6 किलोमीटर आगे जाके भी बोल रहे हैं, बट हम लोग प्लान करेंगे हम लोग यहीं पर ही बाइक लगा के और यहीं से अपना आगे निकल जाए।
ट्रैक के लिए, और बोल रहे कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में ट्रैक करने में, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने बोला है खाना बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर ना आगे मार्केट में हमें कहीं खाना वाना नहीं मिलने वाला, और होपफुली हम लोग यहीं से ट्रैक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ना, आप जो ये रास्ता जो ऊपर जा रहा है, तो हम यहीं से ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना ताराकुंड के लिए। तो इस जगह का नाम जो है, इस जगह का नाम है पल्ली, जो कि आपका पठानी से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये जो रूट है ना, तो मैं आया हूँ पौड़ी, पाबो और पठानी से पल्ली गाँव के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो ये स्टेशन है, यहाँ पर आप ट्रैक वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ऑल दो यहाँ से 5 किलोमीटर अगर आप लोग आगे जाओगे ना, तो वहाँ पे एक स्टेशन है जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली ट्रैक दोनों जगह से बराबर ही है, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, आगे जाके कोई फायदा नहीं है। और खाना हमने कुछ खाया था, तो हमने भाई को बोल दिया कि भाई खाना वाना बना दे, तो भाई ने यहाँ पर दाल चावल रख दिया। मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से। तो गाइस फाइनली खाना वाना खा लिया यहाँ पे, और उस भाई ने बनाया था खाना यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से बनाया था उस भाई ने खाना, और खाना वाना खा लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा ताराकुंड ट्रैक के लिए, तो यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक है, सो ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं तक रखता हूँ। होप आपने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा, मोटो व्लॉग एंजॉय किया, नज़ारों को एंजॉय किया होगा। और अब यहाँ से मैं ट्रैक स्टार्ट करता हूँ, तो वो नया व्लॉग स्टार्ट होगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं ताराकुंड।